संविधान में माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय की सिंगल बेंच और उसके पश्चात माननीय डिवीजन बेंच द्वारा रेडी वर्तमान में माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय की सिंगल और उसके पश्चात माननीय डिवीजन बेंच द्वारा कोरबा जिले की इंस्पेक्टर गायत्री वर्मा के केस में यह आदेश किया गया कि छत्तीसगढ़ राज्य में पुलिस विभाग में कार्यरत सिपाही हवलदार एएसआई एसआई इंस्पेक्टर सभी का एक जिले से दूसरे जिले या एक रेंज से दूसरे रेंज या एक जोन से दूसरे जोन में स्थानांतरण का अधिकार सिर्फ पुलिस स्थापना बोर्ड को है, जो कि छत्तीसगढ़ राज्य के डीजीपी इसके अध्यक्ष होंगे और 4 आईपीएस जो है इस पुलिस स्थापना बोर्ड के मेंबर होंगे। यानी कि आरक्षक से लेकर इंस्पेक्टर लेवल तक जो स्थानांतरण का अधिकार है एक जिले से दूसरे जिले, एक रेंज से दूसरे रेंज और एक जोन से दूसरे जोन में सिर्फ पुलिस स्थापना बोर्ड को दिया गया है। आज दिनांक 18 फरवरी 2022 को बिलासपुर जिले के पुलिस महानिरीक्षक ने 85 एएसआई का ट्रांसफर एक जिले से दूसरे जिले में किया, जो कि पूर्ण रूप से अवैध है और निरस्त किया जाने योग्य है। और अभी वर्तमान में माननीय उच्च न्यायालय के सिंगल बेंच और डिवीजन बेंच द्वारा दिए गए फैसले का घोर उल्लंघन भी है, क्योंकि इस तरह के स्थानांतरण का अधिकार सिर्फ पुलिस स्थापना बोर्ड, जो कि पुलिस मुख्यालय स्तर पर गठित की जाती है कमेटी, सिर्फ इसी पुलिस स्थापना बोर्ड को ट्रांसफर का अधिकार है। रेडी वर्तमान में न्यायालय की सिंगल बेंच और उसके पश्चात माननीय डिवीजन बेंच द्वारा कोरबा जिले की इंस्पेक्टर गायत्री वर्मा के केस में यह आदेश किया गया कि छत्तीसगढ़ राज्य में पुलिस विभाग में कार्यरत सिपाही हवलदार एएसआई एसआई इंस्पेक्टर सभी का एक जिले से दूसरे जिले या एक रेंज से दूसरे रेंज या एक जोन से दूसरे जोन में स्थानांतरण का अधिकार सिर्फ पुलिस स्थापना बोर्ड को है, जो कि छत्तीसगढ़ राज्य के डीजीपी इसके अध्यक्ष होंगे और 4 आईपीएस जो है इस पुलिस स्थापना बोर्ड के मेंबर होंगे। यानी कि आरक्षक से लेकर इंस्पेक्टर लेवल तक जो स्थानांतरण का अधिकार है एक जिले से दूसरे जिले, एक रेंज से दूसरे रेंज और एक जोन से दूसरे जोन में सिर्फ पुलिस स्थापना बोर्ड को दिया गया है। आज दिनांक 18 फरवरी 2022 को बिलासपुर जिले के पुलिस महानिरीक्षक ने 85 एएसआई का ट्रांसफर एक जिले से दूसरे जिले में किया, जो कि पूर्ण रूप से अवैध है और निरस्त किया जाने योग्य है। और अभी वर्तमान में माननीय उच्च न्यायालय की सिंगल बेंच और डिवीजन बेंच द्वारा दिए गए फैसले का घोर उल्लंघन भी है, क्योंकि इस तरह के स्थानांतरण का अधिकार सिर्फ पुलिस स्थापना बोर्ड, जो कि पुलिस मुख्यालय स्तर पर गठित की जाती है कमेटी, सिर्फ इसी पुलिस स्थापना बोर्ड को ट्रांसफर का अधिकार है। रेडी